बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर हैं। वह यहां पर विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने बुधवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और कहा कि 2024 के चुनावों के लिए उनके गठबंधन के नेता का फैसला बाद में किया जाएगा। नीतीश कुमार ने सभी गैर बीजेपी दलों से एकजुट होने की अपील करते हुए कहा कि यह मुख्य मोर्चा होगा, न कि तीसरा मोर्चा है। नीतीश कुमार ने कई गैर बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद या पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बातचीत विस्तृत और सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि यदि विभिन्न राज्यों में सभी गैर बीजेपी दल एक साथ आते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक ऐसा माहौल बनेगा जिसके बाद चीजें एक तरफा नहीं रहेंगी। मैंने जिस किसी से भी बात की उसके साथ सकारात्मक चर्चा हुई। तीसरे मोर्चे की बात पर उन्होंने कहा कि जब भी कोई कहता है कि तीसरा मोर्चा बनाने की ज़रूरत है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि चलो मुख्य मोर्चा बनाते हैं। इसके पहले दिन में नीतीश कुमार ने बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एक साझा मंच पर लाने के प्रयासों के तहत एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की और कहा कि 2024 के चुनावों के लिए उनके गठबंधन के नेता का फैसला बाद में किया जाएगा। जी हां, आपको बता दें, नीतीश कुमार ने कहा है कि हर कोई विपक्षी एकता की बात कर रहा है और देश के लिए चेहरे से ज़्यादा एक संयुक्त मोर्चे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सबको एहसास है कि जिनके हाथ में सत्ता है वे देश में हर जगह नुकसान पहुंचा रहे हैं। बिहार विधानसभा में वाम दलों के 16 विधायक बाहर से नीतीश सरकार का समर्थन कर रहे हैं। इनमें भाकपा माले के 12, भाकपा और माकपा के 2-2 विधायक शामिल हैं। नीतीश कुमार भले ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के कयासों को लगातार खारिज कर रहे हों, लेकिन उनकी पार्टी के भीतर इस बात को लेकर आवाज़ उठ रही है कि कुमार अपने विशाल अनुभव और साफ सुथरी छवि के कारण विपक्षी नेतृत्व की कमान संभालने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री बनने की उनकी आकांक्षाओं के बारे में पूछे जाने पर नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा था कि यह ठीक नहीं है, मैं इस पद का दावेदार नहीं हूँ और ना ही मैं इसका इच्छुक हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।